हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की, जिसके एलिमेंट है -2, एक्स माइनस वाई 5, 1, 0, 4, एक्स प्लस वाई जेड 7 इज सिमेट्रिक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड जेड। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें दे रखा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर एक ए दे रखी है और वो सिमेट्रिक है, तो इसके लिए ए डैश इक्वल टू कितना होता है, ए। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ए डैश निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इसको लिख लेंगे -2, ये आ जाएगा 1 एक्स प्लस वाई। ठीक है, ए डैश निकाल रहे हैं, यहां पर आ जाएगा एक्स माइनस वाई 0, जेड यहां पर कितना आ जाएगा 5, 4, 7, और इक्वल टू में जो ए की वैल्यू है वो एज इट इज लिख लेते हैं। तो वो -2 एक्स माइनस वाई और 5, यहां पर कितना आ जाएगा 1, 0, 4, और ये कितना है एक्स प्लस वाई जेड और 7। अब देखिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर हम लोग कंपेयर करें तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 1, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 5, और जेड की वैल्यू कितनी आ रही है 4। अब यहां पर देखिए, x माइनस वाई और x प्लस वाई, इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 मान करके सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, नीचे लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 1 ऑन एडिंग 2x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो x 3, y 2 और z 4। ये हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।